मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपके फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 जो था लॉस्ट स्प्रिंग यानी छीना हुआ बसंत, छीना हुआ बचपन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार लेखिका अनीस जंग ने बचपन में जो बच्चे काम करने लगते हैं उनकी पीड़ा का वर्णन किया था। तो हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था और आप सबको भी ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों, आज हम इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हल करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज साहेब, व्हाट वॉज हिज फुल नेम, व्हाट वॉज ही डूइंग एंड वाई। साहेब कौन था, उसका पूरा नाम क्या था और वो वहाँ क्या कर रहा था, क्यों, क्या करता था और क्यों। आंसर देखें, साहिब बाज यंग बॉय ऑफ स्कूल गोइंग एज। साहिब नाम का एक लड़का कैसा था, यंग बॉय था, जिसकी अभी उम्र कैसी थी, स्कूल जाने वाली एज की थी, यानी छोटा बच्चा था। हिज फुल नेम वॉज साहिब ए आलम, उसका नाम क्या था, उसका पूरा नाम था साहिब ए आलम। He was looking for something in garbages that can get him some coins. His family has migrated from Dhaka because of the violence and poverty there. He was doing this for his livelihood. अब वो जो लड़का था उसका नाम साहिब आलम था। मैंने आपको पहले बताया था कि साहिब आलम यानी पूरे विश्व का स्वामी, लेकिन वो वहाँ पर गार्बेजेस में जो कचरे रहते हैं उस कचरे में क्या है, कुछ सिक्के ढूंढने या कुछ काम की चीज़ें ढूंढने आया करता था। उसकी जो परिवार था वो ढाका से आ गया था क्योंकि वहाँ पर बहुत गरीबी थी और बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं भी थी, बहुत ज़्यादा उत्पात थे, इसके कारण उसका परिवार यहाँ आके रहने लगा था। और ये सब वो क्यों कर रहा था, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। सेकेंड क्वेश्चन देखें बच्चों, What is the meaning of Sahib's full name? Does he know it? How does he conduct himself? अर्थात साहिब का जो पूरा नाम था उसका मीनिंग क्या था, क्या उसको ये सब पता था और वो अपने आप को कैसे इससे रिलेट करता था। आंसर, हिज फुल नेम इज साहिब ए आलम, उसका पूरा नाम था साहिब ए आलम। इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे विश्व का स्वामी। He doesn't know it, उसको इसका अर्थ नहीं पता था। He is a rag picker and roams barefoot with other rag pickers. वो कैसा था, कचरे बीनने वालों के साथ यहाँ वहाँ घूमा करता था, जो अन्य बच्चों के साथ क्या करता था, नंगे पाँव यहाँ वहाँ घूमा करता था और कचरा बीना करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, What promise had the writer made Will Sahib? What was it that embraced her? लेखिका ने साहिब के साथ कौन सा प्रॉमिस किया था, उसको क्या वचन दिया था करने का और उसको इस चीज़ के बारे में क्यों झेप महसूस हुई। द राइटर मेड अ प्रॉमिस टू साहिब, इफ़ शी वुड ओपन अ स्कूल वुड ही कम। लेखिका ने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर वो स्कूल खोलती है तो क्या साहिब वहाँ पर स्कूल पढ़ने जाएगा। साहिब आंसर्ड पॉजिटिवली, और साहिब कैसे आंसर करता है, पॉजिटिव रूप से आंसर करता है कि यस आई विल कम, यानी कि मैं आऊँगा। बट द राइटर हैड टू फील स्मॉल व्हेन आफ्टर अ फ्यू डेज साहिब आस्क्ड हर इफ हर स्कूल वॉज स्टार्टेड। लेकिन राइटर को, लेखिका को बहुत छोटा महसूस होता है उस समय, जबकि वो बच्चा कुछ दिन बाद फिर उसके पास आता है और बोलता है कि क्या आपका स्कूल चालू हो गया है। Now the question number 4. How did the writer recognize each of the rag pickers in her neighborhood? जो लेखिका थी वहाँ पर उसके पड़ोसी क्षेत्र में जितने भी कचरे बीनने वाले बच्चे थे उनको एक एक को कैसे अच्छे से पहचानने लगी थी, कैसे। आंसर, वन डे द राइटर मेड एन एक्वेंटेंस विद साहिब हु वॉज अ रैग पिकर एंड द अदर रैग पिकर्स वर हिज फ्रेंड। एक दिन राइटर ने उन सारे बच्चों के साथ क्या किया, वार्तालाप की, तो उसमें साहिब जो था वो रैग पिकर था और उसके साथ उसके दोस्त भी थे, वो भी कैसे थे, रैग पिकर यानी कचरे बीनने वाले। दे केम एवरी मॉर्निंग एंड डिसअपीयर्ड एट नून, वो सुबह सुबह आते थे और हर
सुबह आते थे और दोपहर में क्या हो जाते थे, विलुप्त हो जाया करते थे। द राइटर यूज टू वॉच देम विथ डीप इंटरेस्ट, तो जो लेखिका थी उनको देखना, उनको वॉच करना उसके बहुत डीप इंटरेस्ट हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेने लगी थी। ओवर द मंथ्स, एक महीने होते ही शी केम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और एक महीने के भीतर ही क्या हुआ, एक महीने के भीतर भीतर वो हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से पहचानने लगी थी, उनको रिकॉग्नाइज करने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द राइटर गिव फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। अब राइटर जो है वो, जो लेखिका है वो ये बोलती कि ये बच्चे जूते चप्पल नहीं पहनते, फुटवेयर्स नहीं पहनते, तो क्यों? द राइट पिकर्स वर पुअर चिल्ड्रन, जो कचरे बीनने वाले बच्चे हैं वो कैसे थे, बहुत गरीब बच्चे थे। दे डिडंट वेयर शूज एंड दे हैड बिकम यूज टू इट, वो जूते नहीं पहना करते थे और वो इसके आदि भी हो चुके थे, मतलब वो बिना जूते चप्पल पहने चलने के आदि हो चुके थे। इवन इफ दे हैड शूज, यदि उनके पास जूता होता भी, दे मेड एक्सक्यूजेज नॉट टू वेयर देम, वो उसको ना पहनने के बहुत सारे बहाने बनाया करते थे। सम इवन सेड दैट गोइंग बेयर फुट वॉज अ ट्रेडिशन अमंग देम, और उनमें से कुछ कहते थे कि नहीं नहीं नंगे पाँव चलना तो हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ का रिवाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वॉट जॉब डिड साहेब टेक अप, वॉज सो हैप्पी, वॉज ही हैप्पी, साहेब के पास कौन सा अब नया काम आ गया था, क्या वो उससे खुश था? साहेब टुक अप द जॉब एट अ टी स्टॉल, साहेब ने कहाँ पे जॉब कर लिया था, एक चाय के स्टॉल पे काम कर लिया था। ही वॉज नॉट हैप्पी विद इट, वो उसके साथ खुश नहीं था। ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब वो अपना स्वामी, अपने आप का मन का मालिक नहीं रह गया था। हिज फेस हैड लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पर जो एक मतलब चिंता रहित जो भाव आते थे, निश्चिंतता के, वो अब नहीं रह गए थे। टफ ही अर्न रुपीज 800, इवन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, जबकि वो 800 रुपये महीने भी कमाता था लेकिन फिर भी वो संतोषजनक नहीं। हाउ हैज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर, बट वॉट इट्स आउट ऑफ हिज रीच, मतलब एक सपना कोई साकार हो गया लेकिन उसके अलावा कौन सी चीज़ ऐसी थी जो उसके पहुंच के बाहर थी, मतलब अभी साहिब का क्या सपना था जो ड्रीम कम होने वाला था, पूरा होने वाला था, और ऐसा कौन सा कार्य था जो साहिब के पहुंच से बाहर था। साहिब इज वेयरिंग डिस्कार्डेड टेनिस शूज, साहिब ने कौन से जूते पहने हुए थे जो किसी ने मतलब निकाल दिए, फेंक दिए, अब उसको यूज़ के नहीं रहे तो उसने फेंक दिए, ऐसे वाले टेनिस शूज़ को किसने पहना रखा था, साहिब ने। वन ऑफ देम हैज अ होल, अब वो शूज डिस्कार्ड क्यों कर दिए गए, क्योंकि उसमें क्या हो गया था, एक होल हो गया था। अब ही डजंट बोदर अबाउट द होल, उसको उस होल या उस छिद्र की कोई परवाह नहीं थी कि जूते में छेद है, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, इवन शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, एक ऐसा व्यक्ति जो नंगे पैर चलता है, जिसके पैरों में जूते चप्पल कुछ नहीं होते हैं, जिसने कभी कल्पना नहीं की थी, उसके लिए एक होल वाला जूता यानी छिद्र वाला जूता ही एक सपने के साकार होने जैसा होता है। बट टेनिस द गेम ही इज वॉचिंग सो एगरली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन टेनिस के शूज तो पहन लिए साहिब ने, लेकिन जो गेम वो टेनिस जो गेम देख रहा था, उसको इतनी उत्सुकता से देख रहा था, वो शायद खेलना उसके लिए आउट ऑफ हिज रीच, मतलब उसकी पहुंच के बाहर था। माने जूते पहनने का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन जूते पहन के टेनिस खेलने का जो सपना है वो उसकी पहुंच के बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज साहिब्स लाइफ चेंज व्हेन ही स्टार्ट्स वर्किंग एट द टी स्टॉल। अब जो साहिब नाम का बच्चा रहता है वो पहले रैक पिकर्स रहता है, उसके बाद क्या होता है, वो टी स्टॉल में काम करने लगता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि साहिब की लाइफ कैसे बदल जाती है जब वो चाय के स्टॉल पे काम करना चालू कर देता है। आंसर, नाउ साहिब इज गेटिंग रेगुलर इनकम, अब साहिब के पास कैसी इनकम आने लगी थी, नियमित रूप से उसकी कमाई होने लगी थी। पहले रैक पिकर्स था तो
तो कोई निश्चित नहीं रहता था कि किस दिन उसको कितने रुपए कमा सकता है, लेकिन अब क्या था, वो रेगुलर रूप से इनकम कमाने लगा था। ही इज पेड रुपीज 800 एंड ऑल हिज मील्स, उसको 800 रुपए मिलते थे और उसको दिन भर का खाना मिला करता था। बट ही हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, लेकिन इस दौरान वो क्या है, उसका जो निश्चिंतता वाला भाव था वो पूरा, केयर फ्री जो लुक था उसका, निश्चिंतता वाला चेहरा था, निश्चिंत वाला, वो कैसा हो चुका था, गुम चुका था, खो चुका था। क्यों? क्योंकि अब वो किसी के अंडर में काम करने लगा था। द स्टील कैनिस्टर इन हिज हैंड नाउ सीम्स अ बर्डन, अब जो स्टील का कैन वो अपने कंधों पे, हाथों पे रखा करता था, वो कैसा लगने लगा था, एक बोझ की तरह लगने लगा था। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो लंबे समय तक अपना मास्टर, अपना स्वामी नहीं रह गया। ही हैज टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स, अब उसको बहुत लंबे घंटों तक, बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम, व्हाई डज इट लुक लाइक अ मिराज एडमिस्ट द डस्ट। अब मुकेश कौन था और वो, अब देखें क्वेश्चन नंबर 9, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम, व्हाई डज इट लुक लाइक अ मिराज एमिस्ट द डस्ट। अब मुकेश कौन है, उसका सपना क्या है, और उसका सपना किसी मृग तृष्णा, एक धूल में भरी मृग तृष्णा की तरह क्यों दिखाई देता है। आंसर, मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद वेयर एवरी अदर फैमिली इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। अब मुकेश नाम का जो लड़का रहता है वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाले घर से रहता है जो कि फिरोजाबाद में है, और फिरोजाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर लगभग हर फैमिली चूड़ी बनाने के काम में लगी हुई है। His poor father was not able to renovate his house or send his two sons to school. उसके जो गरीब पिता थे वो इतने सक्षम नहीं थे कि अपने घर को, टूटे फूटे घर को दोबारा से मरम्मत करके अच्छा कर सके, और ना ही वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज सका। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पावर्टी एक बहुत बड़ा इशू थी। मुकेश wants to be his own master. मुकेश अपना मालिक खुद बनना चाहता है। He dreams to be a motor mechanic. उसका सपना क्या है? एक मोटर मैकेनिक बनने का। He wants to drive a car. Living in such condition, his dream looked like a mirage amidst the dust. अब ऐसे समय वो अपनी कार भी खुद चलाना चाहता, लेकिन ऐसी कंडीशन में, इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस में, जबकि उनके यहाँ बहुत गरीबी है, उसके पापा एक बहुत गरीब स्थिति से एक चूड़ी बनाने वाले हैं, उसका पूरा परिवार चूड़ी बनाने के कार्य में लगा है, ऐसी स्थितियों में उसका जो सपना है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने, अपनी कार चलाना सीखे, ये एक मृग तृष्णा या मृग मरीचिका के समान प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, Why does the author say that the bangle makers are caught in a vicious web? अब यहाँ पर हम देखें बच्चों, अब यहाँ पर देखें, Why does the author say that the bangle makers are caught in a vicious web? अब यहाँ पर लेखिका बोलती है कि जो चूड़ी बनाने वाले हैं वो एक बहुत ही बड़े कष्टदायक जाल में फंस गए हैं। क्यों फंस गए हैं? The family of bangle makers are caught in the vicious web of poverty. जो परिवार हैं चूड़ी बनाने वालों के, वो बहुत ही कष्टदायक गरीबी के जाल में फंसते गए हैं। क्यों? They are forced to practice their ancestral profession. Ancestral यानी पूर्वजों का, क्योंकि उनके जो बच्चे होते हैं उन सबको ये फोर्स किया जाता है कि वो अपने पूर्वजों का जो व्यवसाय है उसमें रहें। Gradually they remain poorer and ill-clad throughout their life. और धीरे धीरे इस प्रकार का काम करते करते वो और भी ज़्यादा गरीब होते गए, और जिंदगी भर उन्हें अपने हमेशा खराब वस्त्रों में ही काटना पड़ी। On the other hand, they have no money to change their profession. दूसरे रूप से उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने व्यवसाय को बदल सकें। They can't think of organizing themselves into a cooperative. और वो अपने आप को मिला करके कोई सहकारी संस्थान भी नहीं खोल सकते, ना किसी चीज़ की मदद ले सकते। क्यों? क्योंकि पावरफुल पीपल कीप द वर्कर्स इन
बेंगल इंडस्ट्री हेल्पलेस एंड पुअर, क्योंकि जो पावरफुल जो बहुत शक्तिशाली लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो क्या है, वो नहीं चाहते कि ये जॉब छोड़ करके वो किसी अच्छे जॉब को ज्वाइन करें, क्योंकि नहीं तो उनको इतने सस्ते वर्कर कहाँ मिलेंगे। इसलिए वो लोग बहुत कैसे मिनगे हेल्पलेस रहते हैं, उनकी कोई सहायता नहीं कर पाता और वो हमेशा गरीब बने रहते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर है आपके लास्ट स्प्रिंग के, आप इनको बहुत अच्छे से नोटबुक में नोट करिए, उसको याद करिए और समय समय पर रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।